भिक्षा पात्र। बच्चों, दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना हमारी उदारता का परिचय देता है, उसी में बड़प्पन है। आज आपको बांग्ला लेखक रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित एक कहानी सुना रही हूँ, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना के बारे में है। एक लड़की कैसे जरूरतमंद लोगों तक अन्न पहुंचाती है। सुनते हैं कहानी भिक्षा पात्र। ठीक तरह से वर्षा न हुई थी और इस बार तो एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था, धरती का कलेजा फट गया था, उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं, पेड़ पौधे सूख गए थे, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे, पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था, न जाने भूखे प्यासे कहां दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था, जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी, बात महात्मा बुद्ध के कानों में भी पड़ी, जन जन की परेशानी उनसे देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई, बुद्ध की नजरें सेनापति जयसेन पर पड़ी। तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं? भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ, वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं, बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी, आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए, भला यह स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मुंह छिपाकर हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी, किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा,
खुद को तो दाने दाने का भाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है, आपकी दया होगी तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी, आप जो कुछ भी देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसी पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में ऊपर उठाया और बोले, तथास्तु, निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार इस भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहता, समस्त नगरी का उद्धार हो गया, कोई अकाल पीड़ित भूखा ना बचा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। बच्चों, किसी दिन आपका मित्र खाना नहीं लाया तो आप अपना खाना उसके साथ बांटकर खाते हैं ना? निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। आपने यह दोहा सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।